भागलपुर से बालमुकुंद कुमार। भागलपुर एक तरफ जहां जिला प्रशासन और नगर निगम शहरवासियों से जलजमाव नहीं करने और अपने आसपास साफ सफाई रखने की अपील करती दिख रही है, वहीं जिला प्रशासन और नगर निगम अपनी ओर से सिर्फ वायदा ही करती दिखती है। जमीनी स्तर पर उनका कोई काम नहीं दिखता है, जिसका जीता जागता नमूना भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र के वार्ड नंबर 50 और 51 में दिख रहा है। यहाँ लोग काफी त्रस्त है, लोग इतने आक्रोशित है, लोग प्रदर्शन को उतारू हो रहे हैं। वहीं जल जमाव नाले की सफाई नहीं होने से शहर में डेंगू के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन और नगर निगम इस पर थोड़ा भी संज्ञान नहीं ले रही है। आक्रोशित लोगों ने कहा कि हम लोग मेयर को शिक्षित समझकर वोट दिए, लेकिन मेयर ने शहर को नर्क बना दिया है। सिर्फ कुर्सी पर बैठकर काम करने के लिए हम लोगों ने वोट नहीं दिए थे। वही वार्ड पार्षद ने कहा कि हमारे वार्ड में परेशानी का अंबार लगा हुआ है। वार्ड पार्षद होते हुए हम लोग जनता की तकलीफ को सुलझा नहीं पा रहे हैं। आउटसोर्सिंग कंपनी ने शहर के नर्क बना दिया है। लिखित शिकायत कई बार की गई है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं महिलाओं ने कहा कि स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, बाजार जाने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर आयुक्त, मेयर, उप मेयर सभी दोषी हैं, क्योंकि वह लोग एक बार भी इस क्षेत्र में घूमने नहीं आए। साथ ही साथ डेंगू के मरीज भी बढ़ते चले जा रहे हैं। इस पर जल्द संज्ञान लिया जाए, वरना हम लोग आंदोलन करेंगे। थोड़ा थोड़ा भर पानी भी हो जाए, लालिश तो अपने के लावे जो कोई वाटो सा न मियर भी देखे लावे छे, बगल अगर में डेंगू भी हो गलो छे, बहुत परेशानी समाज से लाले अपने से भी साफ करल पड़ी जाए छे, फिर भी पानी एकदम पूरा छे, कभी न साफ करे लावे छे। कितना दिन से परेशानी छे? तो यो साल भर से हो गलो छे, कोई सुनवाई नहीं, कोई कहे जे मियर जितिया तो साफ हो जे, यहू होने करी रहे छे। यहाँ पे परेशानी का अंबार लगा हुआ है, परेशानी नहीं है इसको कह सकते हैं। आज तक दक्षिणी खंड को सब कोई ठगा है और आज भी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हम लोग वार्ड पार्षद हो के अपने जनता का कोई भी दुख तकलीफ दूर नहीं कर सक रहे हैं। जब से आउटसोर्सिंग कंपनी आई है, तब से जब नाला का उड़ाई कराते हैं, ट्रैक्टर नहीं मिलता, 2 महीने पे एक ट्रैक्टर नहीं मिल रहा है। नाला का सील्ड फिर बारिश के कारण अंदर चल जा रहा है। आज स्थिति देख लीजिए, यहाँ डेंगू का पूरा जोन बना हुआ है मेरा 50 नंबर वार्ड। कारण क्या है? पानी का जल जमाव। आप वारसलीगंज रोड देख लीजिए, आप पंचमुखी रोड देख लीजिए, आप बबरगंज रोड देख लीजिए, कुतुबगंज देख लीजिए, कोयली रोड, इतनी भयावह स्थिति है। लेकिन प्रशासन, जिला प्रशासन भी इस पे कोई सुनवाई नहीं ले रही है। हमारे वार्ड में 5-5 अभी दुर्गा स्थान है, किस स्थान से अब कैसे विसर्जन होगा? इस नाले के पानी में लोग विसर्जन करेंगे? कोई चिंता नहीं है इसके लिए। शिकायत किया इसको नगर आयुक्त को? हमने बहुत बार लिखित शिकायत किया है, अपने जनरल बोर्ड की मीटिंग में रखा है इस बात को, महापौर महोदया को दिया है, नगर आयुक्त को दिया है, डीएम साहब के संज्ञान में इस आवेदन को दिया गया है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। डेंगू का इतना महाप्रकोप है, फॉगिंग आता है, फॉगिंग करने 10 लीटर डीजल लेके एक गली नहीं पूरा हो पाता है। पूरे दक्षिणी खंड का सबसे बड़ा वार्ड वार्ड नंबर 50 है। यहाँ पे 3205 होल्डिंग संख्या है, घर की संख्या 3205 है, जिससे नगर निगम टैक्स वसूलते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं है। एक कचरे का डब्बा अभी तक नहीं है वार्ड नंबर 50 में। स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। आखिर हम लोग करें तो करें क्या? अब पब्लिक वार्ड पार्षद को सिर्फ मारा नहीं है, गाली तो दे ही रहा है, गाली हम लोग सुन ही रहे हैं। अब मार खाना बचा है, अगर जिला प्रशासन को वही है तो हम लोग डेली अब मार खाएंगे, अब बचा क्या है? को यही है कि रोड नाला दोनों जाम है, कोई पार्षद ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई मेयर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ डेंगू का मरीज हो गया, हम लोग को परेशानी आने जाने में दिक्कत बहुत हो रहा है, और बच्चे लोग भी गिर पड़ रहे हैं, टोटो उलट गए थे परसों। कितना दिन से समस्या आई? ये समस्या साल भर से ऊपर हो गया, ये समस्या का हल अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग के वार्ड में 50 भी वही हाल है, 51 भी वही हाल है, 49 भी वही हाल है, सब वार्ड का वही हाल है। कितना परसेंटेज है इधर? कम से कम 100 में 90% वारसलीगंज में पेशेंट है, डेंगू का मरीज है पेशेंट। क्या कारण है? अरे यही नाली खराब, पानी निकल रहा है रोड पर, जाने आने में दिक्कत हो रहा है पब्लिक को, थोड़ा समस्या हो रहा है। पानी के जाम, हाँ, पानी के जाम के कारण ही डेंगू का मरीज है यहाँ। बहुत आके आप लोग देख सकते हैं कि क्या मरीज है या नहीं है। विशाल कुमार।
पीएम वसुंधरा को कि एजुकेटेड है वो समझेगी। इस तरह के हालत में सीमा सामने और वसुंधरा में क्या अंतर है? क्या परेशानी है? परेशानी क्या नहीं है? यहाँ वीडियो बनाई है, देखिए कि क्या हाल है। बच्चा मेरा मर रहा है, अभी उतना पैसा लग गया है, बच्चा मेरा ठीक नहीं हो रहा है। डेंगू हो गया? डेंगू हो गया है, बच्चा मेरा 15 दिन से बिछौना धरे हुआ है। कोई नहीं सुन रहा है, कौन सुनेगा? कितना दिक्कत हो गई? देखिए ना, सारा दिक्कत तो सामने है, सारा दिक्कत सामने है। नर्क बना हुआ है, ना नाली साफ ना कुछ, ये सब क्या है? इसीलिए हम लोग वोट दिए हैं। कितना वोट दिलो ले? वोट तो दिए थे वसुंधरा को, यहाँ पार्षद में पंकज गुप्ता को। की सोची गे? सोच के दिए कि ये लोग अच्छा करेगा, एजुकेटेड है, ये है आदमी, बढ़िया है, पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, प्रोफेशनल आदमी है, तो वो सुनेगी। लेकिन अंतर क्या रह गया सीमा सा और उसमें? कभी देखने भी नहीं आती है, एक बार उसको आना चाहिए, वेरिफिकेशन करना चाहिए। नहीं समझ में आता, औचक निरीक्षण करे वो। सिर्फ कुर्सी पर बैठने के लिए वोट दिए हैं उसको। बैठ के मधु देवी।